महिलाओं के विरुद्ध जो गुनाह होते हैं उनको निपटने के लिए मैंने जैसे कहा कि हमें पूरी फोर्स को इस तरह से अवेयर किया गया है कि उनका जो भी रिपोर्ट होता है क्राइम, उसको इमीडिएटली अटेंड करें, सॉल्व करें और एक्यूज को पकड़ें। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर कोई हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा है तो जिस तरह से गाइडलाइंस हैं उस तरह से हम लोग काउंसलिंग करते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं दोनों पार्टी में, उसके बाद क्राइम रजिस्टर होता है। आप जैसे रेप की बात करें, इस साल 413 रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं, उसका एनालिसिस हम लोगों ने किया है। मेरे पास जो आंकड़े हैं, एनीवे आपको मैं जो इस तरह का डिस्कशन होगा तो डोंट काउंटर क्वेश्चन ऑन डाटा। अगर जवाब चाहिए तो प्लीज हैव पेशेंस टू लिसन। आपको मैं जो आंकड़ा दे रहा हूँ वो हमारे रिकॉर्ड में, वो ऑफिशियल आंकड़ा है। 413 जो रेप के केसेस रजिस्टर हुए हैं उसमें 46% केसेस ऐसे हैं जिसमें फैमिली या फ्रेंड्स का है, 28 नेबर्स का है 11%, रिलेटिव्स 14%, अदर नॉन पर्संस आर 28%, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप जो आप कहते हैं, एम्प्लॉयर को वर्कर इज 1% एंड अननोन स्ट्रेंजर इज 1%। दिस इज द एनालिसिस। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, आई एम गिविंग यू एन एनालिसिस। वॉट एवर इज द कंप्लेंट वी इन्वेस्टिगेट क्विकली, arrest the accused and charge it and produce the accused before the court of law. Then trial chalta hai, conviction jo bhi hota hai. So this is the situation so far as rape is concerned. Stalking ka jahan tak aapka kehna hai ki stalking, physical stalking hoti hai, ek cyber stalking hoti hai. To dono cases mein jaise hi hame report milti hai, we register the case and arrest the accused and charge it. Usme delay nahi hota hai. आपने कहा कि ऑनलाइन FIRs रजिस्टर नहीं हो रही हैं, तो मैं बताऊं कि जो ये स्टॉकिंग की फरियादें आती हैं ऑनलाइन या आपका साइबर स्पेस के ऊपर, वो भी हम लोग इमीडिएट रजिस्टर करते हैं, उसमें स्टॉकर को आइडेंटिफाई करके पकड़ते हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ये है कि द सेंसिटिविटी टू अटेंड सच केसेस इज देयर। देयर माइट बी फ्यू इंस्टांसेस विच कैन बी कोटेड बाई पीपल कि हमारे इस केस में ऐसा हुआ नहीं हुआ, जहाँ पे हमारे अधिकारियों की या लोगों की गलती होती है वहाँ उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी होता है। मैं ओवरऑल पिक्चर आपको दे रहा हूँ इसके बारे में। थैंक यू। एक मिनट आप बात सुन लीजिए। पहला तो है कि लीगल पोजीशन क्या है, ठीक है, उन्होंने बताया जो कोर्ट एक मिनट में। हाँ, बट दिस इज अ हाई कोर्ट ऑर्डर, आई रिमेम्बर अवंतिका हैड रेज्ड दिस मैटर एंड सर, मेरी बात पूरी कर। दिल्ली में केवल पुलिस चेक नहीं कर रही, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी यूनिफॉर्म पुलिस जैसी पहन के चेक करते हैं, तो एक मैसेज आता है कि पुलिस चेक कर रही। पुलिस जरूर चेक करती है बट ऐसी जगह चेक नहीं करती कि जहाँ पे ट्रैफिक का रेगुलेशन में तकलीफ हो, और जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं जो चेक करते हैं वो भी चूंकि पब्लिक को लगता है कि पुलिस वाले हैं तो ब्लेम पुलिस पे आता है। ये मैटर हम लोगों ने टेकअप किया है, इसका रेजोल्यूशन होगा, और चूंकि कई चीज़ें कानून होता है उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा फर्ज होता है तो हम लोग करते हैं। थैंक यू। आपका पहला क्वेश्चन था स्टॉकिंग का, स्नैचिंग के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं है, ठीक है। अभी जो भी स्नैचिंग के ऑफेंसेज हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं वो 379, 356, या अगर उसमें फोर्स यूज़ करते हैं तो रॉबरी के सेक्शंस में हम उसको करते हैं। कुछ स्टेट्स में 379 का अमेंडमेंट किया गया है और उसमें स्नैचिंग को एक स्पेसिफिक ऑफेंस बना के
provisions include किए जाए. We are aware of it and I hope in future we will also have certain amendment to that effect.